हेलो आइज, माय नेम इज आर के यादव। अपना डेटा एडवांस कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको नोटपैड में एडिट मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करेंगे, ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे, हमारा एडिट मेनू खुलकर आ गया है। इसमें ऑप्शन है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम, डेट। आज सारे ऑप्शन के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट टाइप करेंगे या नाम टाइप करेंगे, जैसे राजकुमार, प्रवीण, राम, श्याम, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे। पहले हम आपको एडिट मेनू खोल के दिखाएंगे। अभी हमारा अंडू शो हो रहा है। अंडू का प्रयोग होता है किसी चीज को वापस लाना। पहले हम सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। अब हम अंडू, इसको हम वापस लाएंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। ये हमारा वापस आ गया है। अगला ऑप्शन है हमारा कट। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी की शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल प्लस सी। इसको हमने कॉपी किया, कट हमारा सो गया है। कट किया हमने, अब हमें वापस लाना है तो हम पेस्ट करेंगे कंट्रोल के साथ उवी। शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल उवी। ये हमारा वापस आ गया है। अगला ऑप्शन हमारा डिलीट। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया, डिलीट हमारा सो हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया है। इसको हमें वापस लाना है, कंट्रोल जेड, अंडू करेंगे, वापस आ गया है। अगला ऑप्शन है हमारा सर्च विद बिंग। इसका ये होता है अगर हमारा नेट ऑन होगा तो ये सर्च करके बताएगा। इस पे हम जाएंगे, ये हमारा सर्च करके बता रहा है। हमारा नेट गूगल सर्च होकर आ गया। ये अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड। फाइंड पे हम क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल प्लस एफ। हमें ए ढूंढना है तो हम
अप पे क्लिक करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। जितनी बार ए लिखा है बस उतनी बार ये सिलेक्ट करेगा। डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, देखो ये हाईलाइट होके आ रहा है हमारा, ए कहीं नहीं है तो ये कैन और फाइन बता रहा है। अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड नेक्स्ट, इसी का ही है सेम, इसमें भी क्लिक करेंगे कोई सिलेक्ट नहीं है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तब भी वही दे रहा है। फिर से हम करेंगे तब भी वही दे रहा है। अब इसने सिलेक्ट करके बताया है सेकंड में। अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड प्रीवियस, इसका यूज होता है प्रीवियस मतलब पिछला जो हमने सर्च किया था, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये लास्ट का ये शो हो रहा है। अगला ऑप्शन है हमारा रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब है चेंज, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। हमें फाइंड राइट में हमारा जो ए लिखा है वो रखेंगे, रिप्लेस विद में जो हमें चेंज करना है बी रखेंगे। रिप्लेस पे हम क्लिक करेंगे नहीं हो रहा है, सिलेक्ट ऑल करेंगे ये लिखा है रिप्लेस ऑल, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सारे हमारे रिप्लेस हो जाएंगे, एक ही जगह बी हो जाएगा, ये वही हमारे सारे बी हो गए हैं। अब हमें एक ही जगह बी करना है और बी की जगह ए करना है, रिप्लेस आल का करना है तो ये हमारा सारे जैसे नाम थे वैसे ही सेम हो गए। केवल एक करना है तो हम यहां पर ए लिखेंगे, नीचे बी लिखेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अब एक ही जगह हमारा बी हो जाएगा, बी देखो बी हो गया है। अगला करना है ये भी हमारा बी हो गया है। अगला ऑप्शन है हमारा गो टू, गो टू का मतलब होता है लाइन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी, ये लिखा हुआ है सामने। यहां पर हम टाइप करेंगे बन तो हमारे पहली लाइन में कर्सर जाएगा, हमने जैसे गो टू पर क्लिक करेंगे कर्सर हमारा पहली लाइन में पहुंच गया है। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल जितने हमारे नाम लिखे हुए वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए,
सारे सिलेक्ट हो गए हैं। अगला ऑप्शन है हमारा टाइम डेट, इसकी शॉर्टकट की है F5। तो हमें लास्ट में यहां पर टाइम डेट लाना है, उसके लिए हमें F5 प्रेस करेंगे। या हम टाइम डेट पर क्लिक करेंगे, हमारा टाइम डेट शो हो गया है। देखो ये हमारा टाइम डेट शो हो गया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।